हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल, माय नेम इज पीयूष। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ 500 एमसीक्यू। अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट सब्जेक्ट की, तो इलेक्ट्रिकल के किसी भी एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ही बढ़िया होता है ना। फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएल जेई की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मेजरमेंट से मिलने वाले हैं, और ये मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 500 एमसीक्यू सीरीज। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हर एक टॉपिक को मैं प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डील करता हूँ। तो इस ऑर्डर में अब तक हमने एरर एनालिसिस, पीएमएमसी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप वॉल्टमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, उसके साथ ही साथ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे से देखा है। आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर से जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे दोस्तों, ये अगले आधे घंटे में मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा, 30 मिनट्स। और इसके साथ ही साथ अगर मैं बताऊं तो एनर्जी मीटर आपके यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएल एई में दोस्तों यहां पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एनर्जी मीटर कांस्टेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे गए थे। वो किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे गए थे ये भी मैं आपके बताऊंगा। इसके साथ ही साथ एनर्जी मीटर की अगर मैं बात करूं, तो एनर्जी मीटर के कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल से 4 से 5 क्वेश्चन मैं विद डायग्राम आपके सामने डील करने वाला हूँ। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे एनर्जी मीटर से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग से 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब कुछ भी हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस, ये आपके वॉट मीटर से क्वेश्चन है। तो वॉट मीटर की अगर हम बात करें, तो वॉट मीटर से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, जहां से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। तो 2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इन प्रेशर कॉइल अ डायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर, तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस होता है ना प्रेशर कॉइल का, उसकी वजह से एरर तो आता है, ये तो हमने देखा था पिछले वीडियो में विथ डायग्राम। यहाँ पे वॉट मीटर की जो रीडिंग होती है दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वॉट मीटर की जो रीडिंग होती है वो ड्यूरिंग लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर के केस में क्या होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा रेट्स हाई ऑन लैगिंग पावर फैक्टर एंड लो ऑन लीडिंग पावर फैक्टर। ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये आपका पोटेंशियल कॉइल है, इसका इंडक्टेंस हमने एज्यूम करा है कि ये 0 नहीं है। इस केस में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो आपका होगा वी आई कॉस फाई माइनस बीटा ड्यूरिंग लैगिंग केस, और लीडिंग के केस में दोस्तों ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा आपका वी आई कॉस फाई प्लस बीटा, ये बीच में प्लस हो जाता है यहाँ पे, तो ये होता है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका वी आई कॉस फाई होना चाहिए, ये आपका एक्चुअल में होना चाहिए वॉट मीटर की रीडिंग, ये ट्रू मेजरमेंट है। और यहाँ पे जो वॉट मीटर एक्चुअल में मेजर कर रहा है जब हम इंडक्टेंस ऑफ अ प्रेशर कॉइल इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना ड्यूरिंग लैगिंग के केस में कॉस फाई माइनस बीटा की जो वैल्यू है ये तो ज्यादा होगी ना कॉस फाई से, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 0 से अगर 90 डिग्री की तरफ आप जाओगे तो ये वैल्यू 1 से 0 होती है ना, इट मीन्स दैट डिक्रीज करती है। मतलब अगर फाई की वैल्यू यहाँ पे है, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल फाई यहाँ पे कॉस फाई यहाँ पे हम खड़े हैं, और इसमें अगर कुछ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट मींस दैट हम इधर आ रहे हैं, तो वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है ना, और कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसका आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलने वाला है वो ज्यादा मिलने वाला है। इट मींस दैट वॉट मीटर जो आपका रीड करने वाला है वो ज्यादा रीड करने वाला है। इन सिमिलर वे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस फाई प्लस बीटा, तो कॉस फाई प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस फाई प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है ये कम होगी ना कॉस फाई से, क्योंकि इन सिमिलर वे वही यही बात है यहाँ पे, अगर फाई में कुछ भी हम ऐड करके अगर इधर को बढ़ते हैं तो हमें तो जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है। वैसे आपको ये तो मैं एग्जांपल देके सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, वैसे आपको कॉस की वैल्यू पता भी होगी 0 से 90 डिग्री, तो आप वैसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों वो कम मिलेगी। इन बोथ द केसेस हम देख सकते हैं कि वॉट मीटर जो हमारा रीड कर रहा है, एक लैगिंग के केस में ज्यादा रीड कर रहा है, लीडिंग के केस में कम रीड कर रहा है। तो बोथ द केसेस वी कांट टेक एक्चुअल वैल्यू जो हमें मेजर करनी चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एरर कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ऑलरेडी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर द इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल प्रोड्यूस एरर, द एरर इज, अब ये पावर फैक्टर के केस में पूछा है। पहला जो था हमारा वॉट मीटर की जो रीडिंग थी वो ज्यादा कम हो जाती है लैगिंग और लीडिंग के केस में, और यहाँ पे पूछा है कि लो और हाई पावर फैक्टर रहे तो क्या होता है, उस समय एरर क्या होता है, एरर के बारे में पूछा है। तो एरर
दोस्तों एरर एक होता क्या हमारा मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू, ये हमने देखा भी था। तो यहाँ पे जो आता है आपका रिजल्ट आता है वो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे वी आई साइन फाई आपका आता है इनटू टैन बीटा, तो टैन बीटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, हियर साइन फाई इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लोड पावर फैक्टर की। तो ड्यूरिंग लो पावर फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल कॉस फाई की अगर हम बात करें तो 0.5 हमने फाइव एज्यूम कर लिया, लो पावर फैक्टर हमने एज्यूम कर लिया। पावर फैक्टर तो 0 से 1 के बीच में ही वैरी करता है ना, तो हमने लो पावर फैक्टर एज्यूम कर लिया 0.5। अब इस केस में आप देखो फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू तो 60 डिग्री होगी ना। अब 60 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ पे साइन 60 अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 0.866। अब ड्यूरिंग हाई पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर के केस में हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम कर लिया कॉस फाई इज इक्वल टू 0.866 और यहाँ पे 866 ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये रूट 3/2 है। इसको सॉल्व करोगे आप तो इतना ही मिलेगा। यहाँ पे फाई इज इक्वल टू आपका कितना है, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री है और यहाँ पे साइन 30 आप जब निकालोगे तो साइन 30 इज इक्वल टू 0.5 आएगा। तो आप देख सकते हो हाई पावर फैक्टर के केस में जो हम मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 0.5 का करना पड़ेगा, लेकिन लो पावर फैक्टर के केस में हम कितना का कर रहे थे 0.866 का। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा हाइयर एट लोअर पावर फैक्टर, मतलब लो पावर फैक्टर के केस में जो वैल्यू होती है यहाँ पे आप देख सकते हो ज्यादा का मल्टीप्लिकेशन हमने करना पड़ता था यहाँ पे, तो एरर जो होता था वो हमारा ज्यादा हो जाता था। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर ये नहीं दिया होता ऑप्शन में तो दूसरा क्या दिया होता, यहाँ पे लो एट हाई पावर फैक्टर। तो ये तीसरा पॉइंट, पहला क्वेश्चन मैंने बताया वॉट मीटर से, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसको रिमूव कैसे करते हैं, एरर ड्यू टू इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल को रिमूव करने के लिए हम करते क्या है, तो यहाँ पे जो सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस होता है इसके अक्रॉस हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो होता है एलपी अपॉन आरएस स्क्वायर। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग एनर्जी मीटर। यहाँ पे द वोल्टेज कॉइल ऑफ अ सिंगल फेज हाउस एनर्जी मीटर, हाउस होल्ड या हाउस एनर्जी मीटर का मतलब वही है दोस्तों जो आप एनर्जी मीटर देखते हो, इसको हम इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर क्यों, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है दोस्तों इस हाउस होल्ड एनर्जी मीटर का वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। कैसे वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये आपका एनर्जी मीटर है, यहाँ पे दोस्तों आप कंस्ट्रक्शन इसका देखो, पहले ये है आपका पोटेंशियल कॉइल, क्यों, क्योंकि इससे हमने एक क्रॉस कनेक्ट करा है। इन सिमिलर वे जैसे आपका पोटेंशियल कॉइल वॉल्ट मीटर में था ना, वैसे ही सिमिलर वे जहां पे भी ये पोटेंशियल कॉइल होता है जिसे आप प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हो, वोल्टेज कॉइल भी बोल सकते हो, स्टंट कॉइल भी बोल सकते हो, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दोस्तों ये जो करंट इसमें फ्लो करेगा ये फ्लो करेगा आपका आईपीसी, और यहाँ पे आप देखो ये जो करंट है दोस्तों इसमें आईसीसी फ्लो करेगा ना, ये करंट कॉइल आपका ये सीरीज में कनेक्टेड है लोड के साथ, तो इसे आप सीरीज कॉइल भी बोल सकते हो, इसे करंट कॉइल भी बोल सकते हो और इसे सीरीज मैग्नेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है ना हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कनेक्टेड है कोर पे, तो हमें जो मिलेगा वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलेगा। यहाँ पे भी इसको शंट कॉइल भी बोल सकते हो और इसको पूरे पार्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप यहाँ पे शंट मैग्नेट भी बोल सकते हो। ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। और कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे जो डिस्क होती है दोस्तों ये होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड कंडक्टर, कंडक्टिव पार्ट होना चाहिए, कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए। दो प्रॉपर्टी होना चाहिए जो यहाँ पे हम डिस्क यूज करते हैं, पहला नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, दूसरा कंडक्टिव होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। इसलिए हम एल्यूमिनियम या कॉपर यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। ये ब्रेकिंग मैग्नेट दोस्तों आपके एज पे लगा हुआ है, ये ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए होता है। अब थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं, डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट मैं पिक करूंगा, वो आपके सामने मैं अभी रखने वाला हूं। थोड़ा सा मैं वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ये एल्युमिनियम डिस्क जो होती है ये जो आईपीसी है आपका, आईपीसी की वजह से जो फ्लक्स आएगा यहाँ पे फाई पी और यहाँ पे आईसीसी की वजह से फ्लक्स जो आएगा आपका फाई सी, तो ये दोनों के बीच में अगर हम फेज एंगल रख दें 90 डिग्री का तो जो यहाँ पे हमें फील्ड मिलेगा इस डिस्क के अक्रॉस वो रिवॉल्विंग या मूविंग मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसके अक्रॉस ये एल्युमिनियम डिस्क आपका जब कट होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होगा वो इस डिस्क को रोटेट करवाता है और ये डिस्क का जो रोटेशन होता है ना इन द डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मूविंग मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ।
तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस आप इतना समझो कि इन दोनों फ्लक्स के बीच में जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दोनों फ्लक्स के बीच में अगर 90 डिग्री का हमने एंगल रख दिया तो हमें जो ये डिस्क है ये रोटेट करने लगेगी। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा था ना कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, तो वैसे ही आप इसको समझ सकते हो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल चुका है ये दोनों फ्लक्स में फेज एंगल 90 डिग्री की वजह से, अब इसको हमें कंट्रोल करना है, तो वो हम कैसे करते हैं, वो ब्रेकिंग मैग्नेट से हम करते हैं। ब्रेकिंग मैग्नेट दोस्तों क्या करता है, ये डिस्क जब रोटेट करती है ना यहाँ पे, तो इसके बीच में ये फ्लक्स जो होता है ये कॉन्स्टेंट फ्लक्स होता है, ये कॉन्स्टेंट फ्लक्स ही होगा ना, क्योंकि ये तो परमानेंट मैग्नेट है आपका, ब्रेकिंग मैग्नेट जो होता है परमानेंट मैग्नेट होता है, तो इसके अक्रॉस जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस जब ये एल्युमिनियम डिस्क आपकी कट होती है तो वहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होता है डिस्क में और करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड एडी करंट। तो उस एडी करंट की वजह से जो फोर्स यहां पे प्रोड्यूस होगा वो जिस डायरेक्शन में भी आपकी डिस्क रोटेट कर रही है उसके अपोजिट में प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्युमिनियम डिस्क के रोटेशन को हम कंट्रोल करते हैं, स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट, दैट इज परमानेंट मैग्नेट। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट अभी हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों ड्राइविंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जिसे बोला जाता है एनर्जी मीटर का, तो वो होता है आपका वी आई साइन डेल्टा माइनस फाइव। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डेल्टा जो होता है ये क्या होता है, दैट इज फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड पोटेंशियल कॉइल करंट। और यहाँ पे ये जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज सप्लाई वोल्टेज एंड यहाँ पे आप आईसीसी बोल लो या फिर लोड करंट बोल लो, दोनों तो एक ही है ना, यहाँ पे लोड करंट और आईसीसी तो दोनों एक ही है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और ये ओवरऑल की अगर बात करें दोस्तों, डेल्टा माइनस फाइव दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन या फेज एंगल बिटवीन आईसीसी एंड आईपीसी, तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज नहीं होगा। आईसीसी की वजह से जो फ्लक्स होगा दोस्तों वो क्या होगा, फाई सी होगा, और आईपीसी की वजह से मैंने फाई पी यहाँ पे लिखा है। और ये जो फ्लक्स होते हैं जिस करंट की वजह से होते हैं वो उसके साथ फेज ही में होते हैं ना, इट मींस दैट अगर ये आपका आईसीसी है तो फाई सी भी इसके फेज में ही होगा, तो यहाँ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इट मींस दैट यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूं द एंगल बिटवीन फाई पी एंड फाई पी एंड फाई एस इज, यहाँ पे आई थिंक ये ठीक है, करंट कॉइल के लिए मैंने फाई सी लिया है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि द एंगल बिटवीन फाई सी एंड फाई पी इज 90 डिग्री, इट मींस दैट एंगल बिटवीन आई सी सी एंड आई पी सी इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वहां से और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे आप देखो, अगर आपसे एक तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इसके टॉर्क एक्सप्रेशन से या ड्राइविंग टॉर्क एक्सप्रेशन से, वो ये कि ये एक मैक्सिमम कब होता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, तो आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, जब यहाँ पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इट मींस दैट डेल्टा माइनस फाइव इज इक्वल टू जब 90 डिग्री होगा, इट मींस दैट द फेज एंगल बिटवीन आई सी सी एंड आई पी सी इज 90 डिग्री। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, इन द केस ऑफ, अगर इसको मैं रेजिस्टिव लोड मानू ना, रेजिस्टिव लोड अगर आप मानते हो, तो यहाँ पे फेज एंगल बिटवीन आई पी सी, यहाँ पे आई पी सी एंड सप्लाई वोल्टेज इज 90 डिग्री। या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो, फाई पी एंड फाई सी, मतलब ये फ्लक्स ड्यू टू पोटेंशियल कॉइल करंट एंड फ्लक्स ड्यू टू करंट कॉइल करंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री का है तो आपको जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क से रिलेटेड, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन है उसको आप दिमाग में रखिएगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, वो मैं बताता हूँ यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। ब्रेकिंग टॉर्क जो कि आपका ये परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड कर रहा है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है दोस्तों वो आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जिस स्पीड से ये डिस्क रिवॉल्व कर रही है, इट मींस दैट जितना तेजी से ये डिस्क रिवॉल्व करेगी ना उतना ही ज्यादा ये ब्रेकिंग टॉर्क इसको मिलेगा एन, और ये फाई एम स्क्वायर। फाई एम क्या होता है, दैट इज ये कॉन्स्टेंट फ्लक्स जो इस मैग्नेट की वजह से, अगर ये नॉर्थ है आपका ये साउथ है तो इसके बीच में जो कॉन्स्टेंट फ्लक्स हो रहा है दैट इज फाई एम एंड डी। अब डी क्या होता है, तो डी जो होता है दोस्तों द डिस्टेंस बिटवीन ये जो स्पिंडल है आपका और ये परमानेंट मैग्नेट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो पूछा जाता है कि अगर हमें स्पीड डिस्क के स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो, एन और डी जो है दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
इट मीन्स दैट एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी. तो आप यहां से देख सकते हो, अगर डिस्टेंस हम बढ़ा दें, द डिस्टेंस बिटवीन स्पिंडल एंड परमानेंट मैग्नेट को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, तो यहां पे रिवॉल्यूशन जो डिस्क रोटेट कर रही है उसके स्पीड को हम डिक्रीज कर सकते हैं. तो ऐसे हम स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं. तो इससे अब इन सब पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या अब तक पूछे गए हैं उसके साथ हम लोग देखते हैं. ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने रखा. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन. इससे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, द वोल्टेज कॉयल ऑफ अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज. तो अब यहाँ पे आप देखो वोल्टेज कॉयल, इट मीन्स दैट पोटेंशियल कॉयल. तो अगर इसे 90 डिग्री हमें आउट ऑफ फेज चाहिए, इट मीन्स दैट हमने देखा था ना आईपीसी एंड आईसीसी के बीच में हमें जो फेज डिफरेंस चाहिए होता है वो 90 डिग्री का, जिसकी वजह से मूविंग मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल सके. तो ये दोस्तों कब पॉसिबल है, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, फॉर अ प्योर रेजिस्टिव लोड अगर मैं बात करूं तो जो लोड करेंट है आपका आईसीसी लोड करेंट है ना, क्योंकि दोनों एक ही है. तो इट मीन्स दैट सप्लाई वोल्टेज और लोड करेंट जो है आपका फॉर अ प्योर रेजिस्टिव लोड ये फेज में रहेंगे. इट मीन्स दैट वीएस एंड आईपीसी के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए हमारा. तो यहां पे ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल इन द केस ऑफ इंडक्टर. आप देखो इंडक्टर के केस में क्या होता है, करेंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है ना यहाँ पे, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा हाईली इंडक्टिव. और यहाँ पे हाईली रेजिस्टिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा. हाईली रेजिस्टिव दोस्तों इन द केस ऑफ वाटमीटर था. वाटमीटर के केस में जो हमारा पोटेंशियल कॉयल था वो हमें हाईली रेजिस्टिव चाहिए था, क्योंकि वहां पे वोल्टेज और करंट, सप्लाई वोल्टेज और पोटेंशियल कॉयल करंट हमें फेज में चाहिए होता था. लेकिन यहां पे हमें सप्लाई वोल्टेज और यहाँ पे पोटेंशियल कॉयल करंट जो है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज चाहिए. तो यहाँ पे 90 डिग्री आउट ऑफ फेज के लिए हम यूज करेंगे हाईली इंडक्टिव, वो भी लैगिंग चाहिए हमें, तो 90 डिग्री हम यूज करेंगे. इट मीन्स दैट हाईली इंडक्टिव, तो हमें जो यूज करेंगे वो हाईली इंडक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्स आर ड्रिल्ड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द डिस्क ऑफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर टू. तो यहाँ पे जो आपका डिस्क होता है दोस्तों एल्यूमिनियम का, यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पे हम होल्ड कर देते हैं डायमेंड, यहाँ पे इक्वल और अपोजिट साइड में ऐसे हम होल्ड कर देते हैं. ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये सेंट मैग्नेट जो था ना आपका, उसके नीचे जब ये डिस्क रिवॉल्व करके आएगी तो ये यहाँ पे रुक जाए. इससे पहले मैं आपको बता दूं क्रिपिंग होता क्या है. अगर क्रिपिंग की हम बात करें तो क्रिपिंग में आप देखो, जब आप यहाँ पे पोटेंशियल कॉयल आपकी एनर्जाइज होती है लेकिन आपकी करंट कॉयल एनर्जाइज नहीं होती है. इट मीन्स दैट अगर मैं लोड यहाँ पे कनेक्ट ही ना करूँ, लोड अगर आप कनेक्ट ना करो तो फिर ये करंट कॉयल तो एनर्जाइज नहीं होगी ना, इसमें तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा ना. इट मीन्स दैट जब लोड कनेक्ट नहीं होता है, जब लोड आपका कनेक्ट नहीं होता, इट मीन्स दैट जब आपका आईसीसी जीरो होता है और आईपीसी जीरो नहीं होता है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस अ पोटेंशियल कॉयल जब आपका जीरो नहीं होता है, इस केस में जो डिस्क होती है आपकी, ये जो डिस्क होती है ये रोटेट करती है, स्लो बट कॉन्टिन्यूस रोटेशन होता रहता है डिस्क में, जिसकी वजह से एनर्जी मीटर पे तो रीडिंग बढ़ती रहेगी ना और आपको ज्यादा बिल देना पड़ेगा. तो ये एक टाइप का एरर हुआ. और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, तो हम ये होल्ड कर देते हैं ये अपोजिट साइड में इस तरफ, और ये सेंट मैग्नेट के नीचे आता है तो ये डिस्क रुक जाता है. अब ये क्रिपिंग जो एरर है ये होता क्यों है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो अगर मैं बात करूं तो जब पोटेंशियल कॉयल में वोल्टेज जो होता है ये ज्यादा हो जाता है, हाई वोल्टेज होता है, मतलब ओवर वोल्टेज भी आप बोल सकते हो एक तो इस केस में, और दूसरा जो होता है जब फ्रिक्शन जो होता है आपका वो ओवर कंपनसेटेड हो जाए, तो उस केस में भी ये क्रिपिंग वाला एरर होता है. तो ये दो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा. इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अवॉइड क्रीप ऑन नो लोड. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ क्रिपिंग इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मोटर. तो ये तो हमने देखा ना, इसका एक कारण तो ये है आपका फ्रिक्शन कंपनसेशन, और दूसरा जो है आपका ओवर वोल्टेज इन पोटेंशियल कॉयल. तो ये भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर लैग एडजस्टमेंट इज डन टू इंश्योर दैट. लैग एडजस्टमेंट जो होता है इज डन टू इंश्योर दैट करंट प्रेशर कॉयल फ्लक्स जो है दैट इज लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री. क्योंकि यही तो हमें चाहिए होता है, प्रेशर कॉयल फ्लक्स बोलो आप इसे, या फिर प्रेशर कॉयल करंट बोलो आईपीसी, या फिर इसे आप फाइपी बोलो, क्योंकि आईपीसी और फाइपी तो आपके फेज में ही होंगे ना, क्योंकि इस करंट की वजह से ही तो ये फ्लक्स है. तो प्रेशर कॉयल फ्लक्स जो है लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री. इट मीन्स दैट हमें तो यही चाहिए होता है ना, कि वोल्टेज से जो ये करंट है या फिर ये फ्लक्स जो है वो 90 डिग्री लैग करे. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पी. नेक्स्ट,
इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रन्स फास्ट इट कैन बी स्लो डाउन बाय, तो ये मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई एम स्क्वायर डी, तो यहाँ पे एन जो था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डी के ना, एन जो था ये क्या था स्पीड ऑफ द डिस्क, और ये डी जो था ये डिस्टेंस था ना आपका, ये ब्रेकिंग मैग्नेट अगर हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे ब्रेकिंग मैग्नेट अगर हमने लगाया था तो यहाँ और ये जो स्पिंडल था इसका डिस्क का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था, तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे स्पीड जो हमारी कम हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ ब्रेकिंग मैग्नेट एंड मूविंग इट क्लोजर टू द सेंटर, नहीं इसे अवे ले जाना होगा हमें ना, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ फैंटम लोड इज यूज्ड व्हाइल टेस्टिंग अ हाई कैपेसिटी ऑफ एनर्जी मीटर, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। फैंटम लोड क्या होता है दोस्तों, फैंटम का मतलब क्या होता है, फिक्सियस, फिक्सियस मतलब नॉट इन एक्चुअल, मतलब एनर्जी मीटर को लगे कि हमने उसको लोड कनेक्ट करा है लेकिन एक्चुअल में हम लोड कनेक्ट नहीं करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा हम करते हैं टू रिड्यूस पावर लॉस, वही इसका आंसर भी होगा। इसमें करते क्या हम, अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल कॉयल जो होता है आपका उसको एज यूजुअल नॉर्मल लोड से नॉर्मली हमें उसे कनेक्ट कर देते हैं उसे वोल्टेज से, लेकिन करंट कॉयल को हम क्या करते हैं, उसे हम एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज जो है वो बहुत ही कम होता है, जिससे होता क्या है क्योंकि करंट कॉयल की वजह से ही तो लॉस होता है, आई स्क्वायर आर जो है ये लॉस होगा क्योंकि करंट कॉयल में लोड करंट फ्लो करता है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, तो यहाँ पे लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट कॉयल को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो ऐसा करके हम लॉस को रिड्यूस करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों टू रिड्यूस पावर लॉस, ये आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज ऑपरेटिंग ऑन 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई विद अ लोड ऑफ 20 एम्पीयर फॉर 2 आवर्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, द मीटर टेक्स 380, तो ये क्वेश्चन आपका एनर्जी मीटर कांस्टेंट से, तो एनर्जी मीटर कांस्टेंट क्या होता है ये मैं पहले आपको बताता हूँ, एनर्जी मीटर कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ इसको के से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है दोस्तों रिवॉल्यूशन पर किलो वॉट आवर, और ये मतलब जो आपके एल्यूमिनियम डिस्क है वो एक किलो वॉट आवर के लिए कितना चक्कर लगाती है, ये वैसे आपके एनर्जी मीटर पे मेंशन भी होता है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट हर्ट एनर्जी मीटर का मेंशन होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर किलो वॉट आवर, ये आप याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और इसी पे बेस्ड यूपीपीसीएल ए की अगर मैं बात करूं तो वहां पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो मीटर कांस्टेंट की बात करी गई है, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 380, और यहाँ पे पावर देखो आप 23 इंटू यहाँ पे 20 इंटू यूनिटी पावर फैक्टर है, तो वी आई कॉस फाई यहाँ पे 1 इंटू टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो दिया हुआ है आपका 2 घंटा, और यहाँ पे आप देखो ये किलो वॉट आवर में है, गलती यहीं पे होती है, और यहाँ पे हमारा क्या है ये बोल्ट है ये एम्पियर है, तो इसको अगर हमें किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 में ऊपर ले लेता हूँ। अब इसको आप सॉल्व करके देखो, इसको अगर मैं करता हूँ तो ये आई थिंक 6, और ये आपका यहाँ से कर सकते हो ये आपका आई थिंक 25 25 × 6 ये आपका आ गया 150 रिवॉल्यूशन पर किलो वॉट आवर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड्स व्हेन अ लोड ऑफ, तो यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे क्या, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मिस्टेक कहाँ पे होती है, यहाँ पे वॉट को हम किलो वॉट में चेंज करेंगे और सेकेंड को आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें किलो वॉट आवर में निकालना होता है, एनर्जी मीटर कॉन्स्टेंट रिवॉल्यूशन पर किलो वॉट आवर में निकाला जाता है, तो यहाँ पे उसी में आंसर भी पूछा हुआ है आपको, तो यहाँ पे बस मिस्टेक यही होती है, इसको ध्यान में रखना होता है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी के इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 10 रिवॉल्यूशन आपका दिया हुआ है और यहाँ पे 450, तो इसको मैं वॉट में किलो वॉट में चेंज कर लेता हूँ, इट मीन्स दैट 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 100 सेकेंड है, और इसको जब हम चेंज करेंगे आवर में तो यहाँ पे क्या होगा 60 × 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो उसको मैंने ऊपर कर दिया डायरेक्टली। अब यहाँ पे इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आई थिंक ये आप ऐसे कर सकते हो, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा आई थिंक 800 के आसपास आ जाएगा, तो योर आंसर विल बी 800।
तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। यूपीपीसीएल एक एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनर्जी मीटर हैविंग अ मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवॉल्यूशन, यहाँ पे एनर्जी मीटर कांस्टेंट आपका दिया हुआ है कितना, 1200, यहाँ पे 5 रिवॉल्यूशन की बात करी गई है। यहाँ पे पावर हमसे पूछ रहा है, वो वाट में पूछ रहा है, तो ये आपने ध्यान देना है। पावर इंटू यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो 75, तो ये किलो वॉट रिवॉल्यूशन पर किलो वॉट आवर में दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम किलो वॉट में ही निकाल लेते हैं पावर, उसके बाद हम उसको वॉट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो 75 सेकंड को अगर मैं आवर में चेंज करूंगा तो 60 × 60 से डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आई थिंक ये 3600 हुआ ना, तो ये आपका टोटल 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पावर इज इक्वल टू आप देखो कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 75, इट मीन्स दैट 1/5 किलो वाट में आपका आया। अब आपसे पूछा वाट में, तो आप 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 200 वाट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर द कंट्रोलिंग टॉर्क इज, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कॉयल होती है ना पोटेंशियल, ये एक कॉयल ए बोल सकते हो, एक कॉयल बी बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता है दोनों की वजह से जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है TD1 एंड TD2, दैट इज बोथ, इनका कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है दोस्तों दोनों कॉयल का, कि इनकी वजह से जो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स दैट TD1 इज इक्वल टू माइनस TD2 होता है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो, इसलिए इसमें यहाँ पे एक दूसरे के लिए ये खुद ही कंट्रोलिंग टॉर्क का काम करेंगे, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, एंड द एनर्जी मीटर ऑफ अ स्टोरेज बैटरी इज रेटेड इन, तो यहाँ पे एनर्जी मीटर स्टोरेज बैटरी मतलब यहाँ पे DC सोर्स की बात करी गई है, तो यहाँ पे DC सोर्स को दोस्तों हम अगर बात करें तो यहाँ पे एम्पियर आवर में हम करते हैं ना इसको रेटेड, और हमारे AC सोर्स की अगर बात करें तो वहां पे किलो वॉट आवर होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, पावर का यूनिट क्या होता है वॉट, टाइम का क्या होता है सेकेंड, और यहाँ पे अगर मैं इसके बड़े यूनिट की बात करूँ तो वो आपका होता है किलो वॉट आवर, और इसको आप वॉट सेकंड को जूल भी बोलते हो। क्वेश्चन आपसे ये पूछता है दोस्तों कि वन यूनिट में या वन किलो वॉट आवर में कितना जूल होता है, वन किलो वॉट आवर में कितना जूल होता है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहां से 1000 × आवर को अगर चेंज करूं मैं सेकंड में 3600, तो यहां पे 3.6 × 10⁶ आपका जूल या वॉट सेकंड भी आप इसको बोलते हो। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, वन किलो वॉट आवर में कितना जूल होता है, जूल का मतलब यह होता है तो वॉट सेकंड ही होता है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और कॉमर्शियल यूनिट अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो आप बताओगे किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है, एक यूनिट, तो यहाँ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका एनर्जी मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एनर्जी मीटर कांस्टेंट क्या आ रहा है ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ गया है उसके बाद हम एरर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी मीटर कांस्टेंट आप निकालो, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन कितना है 40 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 किलो वॉट आपका दिया हुआ है, उसके साथ ही साथ टाइम जो दिया हुआ है आपका 50, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 50 सेकंड, 60 × 60 अगर इसको हम करें तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कितना मिलेगा, आई थिंक ये आपका 12 और ये यहाँ से अगर मैं कैंसिल कर दूँ ये 58 जा, तो ये आपका आई थिंक 576 के आसपास आ गया। तो ये आपका जो मीटर कांस्टेंट आया दोस्तों नया वाला वो आया आपका 576, और यहाँ पे जो एक्चुअल में आना चाहिए वो आना चाहिए 500, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस दैट इज डिवाइडेड बाय, एरर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू होती है मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको अगर सॉल्व करो आप तो यहाँ पे आप देखो 7600 डिवाइडेड बाई 500, यहाँ से आप सॉल्व करके देख सकते हो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आई थिंक 15 point something आना चाहिए, 15.25 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीप एरर में अकर इन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर ड्यू टू, क्रीप एरर जो होता है दोस्तों ये होता है आपका ओवर वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज कॉइल, ये और दूसरा जो था वो मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन इज ओवर कंपनसेटेड, फ्रिक्शन इज
ओवर कंपनसेटेड, मतलब फ्रिक्शन जब आपका ओवर कंपनसेटेड हो जाता है तो आपका क्रीप एरर हो सकता है, या फिर पोटेंशियल कॉयल के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो ये क्रीप एरर हो सकता है। इसको रिमूव कैसे करते थे, तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे दो होल इक्वल एंड अपोजिट साइड में, यहाँ पे होल हम कर देते हैं और ये शंट मैग्नेट जो होता है आपका उसके नीचे आता है तो ये रुक जाता है। क्रीप एरर क्या होता है दोस्तों, क्रीप एरर की अगर हम बात करें तो ये आपका जो एल्युमिनियम डिस्क होती है वो रिवॉल्व करने लगती है, स्लो बट कंटिन्यूअस मोशन इसका होने लगता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रीप एरर, जिसकी वजह से आपके मीटर की रीडिंग बढ़ती रहती है तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंडक्शन टाइप ऑफ एनर्जी मीटर मैक्सिमम टॉर्क इज ऑब्टेंड व्हेन अ फेज एंगल बिटवीन द टू फ्लक्सेस इज, तो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से बताया भी था आपको, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे फाई पी और फाई सी की अगर मैं बात करूं, मतलब फ्लक्स ड्यू टू करंट कॉयल और फ्लक्स ड्यू टू पोटेंशियल कॉयल, तो दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री का टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर कंपनसेशन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड बाई, तो यहाँ पे दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपनसेशन के लिए हम सैडिंग बैंड्स प्रोवाइड करते हैं, और ये जो शंट मैग्नेट आपका था यहाँ पे और यहाँ पे हमने कॉयल कर रखा था, तो यहाँ पे ये शंट मैग्नेट के सैडिंग बैंड्स यूज किया जाता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको मैंने वहाँ पे डायग्राम में मेंशन नहीं करा था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सैडिंग बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटर कॉन्स्टेंट ऑफ अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो फॉर्मूला ही एक तरह से पूछा हुआ है ना हमसे, मीटर कॉन्स्टेंट का क्या होता है, रिवोल्यूशन पर किलो वॉट आवर, ये बस ये आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम इज सेलेक्टेड एट द मटेरियल फॉर रोटेटिंग डिस्क ऑफ एन एनर्जी मीटर बिकॉज, अब एल्युमिनियम हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें, मैंने बताया था आपको जो डिस्क हमें यूज करना होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, वो एक तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, दूसरा दोस्तों क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए वो, तो ये दोनों प्रॉपर्टी एल्युमिनियम में है इसलिए हम एल्युमिनियम को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम कॉपर भी यूज कर सकते हैं तो, लेकिन इन जनरल हम एल्युमिनियम यूज करते हैं क्योंकि उसका वेट भी लाइट होता है और वो कॉस्ट में भी, उसका कॉस्ट भी कम होता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी यूज इन जनरल एल्युमिनियम इन एनर्जी मीटर, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट दोस्तों, कल हम लोग देखेंगे एनर्जी मीटर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब कुछ मैंने आपको करा दिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम में तो देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ज्यादा अगर मैं बात करूं तो कल हम लोग देखेंगे सीआरओ से जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे ये सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से कल आपके साथ डील करने वाला हूं, क्योंकि यहां पे दोस्तों सीआरओ से कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार घुमा के पूछे जाते हैं, तो वो सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है। सीआरओ की बात अगर मैं करूं दोस्तों तो इसको दो मोड में हम यूज करते हैं, एक आपका एक्स वाई मोड में और एक आपका वाई टी मोड में यूज करते हैं, तो यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे किस तरह से इनपुट दिए जाते हैं, लिसाजेस पैटर्न क्या होता है, ये सब कुछ मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मेरे को ये बताइएगा दोस्तों जरूर कि 500 एमसीक्यू सीरीज ये आपको मेजरमेंट की कैसी लग रही है, और मैं आगे और वीडियोज सीआरओ के बाद सीटी पीटी, उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ट्रांसड्यूसर की वीडियो प्रोवाइड करूं या ना करूं, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।